हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से स्टडी के पॉइंट पे कुछ बात करना चाहता हूँ, स्टडी टिप्स के तौर पे। ठीक है, स्टडी टिप्स के इस पॉइंट पे मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। हम आज रेडीमेड स्टडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हो चुके हैं। रेडीमेड स्टडी का हमारा प्रोसेस क्या होता है मैं समझाना चाहूँगा। हम कोई अच्छी सी कोचिंग सर्च करेंगे, चाहे वो इंडिया के किसी कोने में हो, लोकेशन डज नॉट मैटर। फिर हमारे पास वहाँ पे अच्छे फैकल्टी क्लास लेंगे, फिर हम नोट्स प्रिपेयर करेंगे, फिर हमें स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, फिर हमारा टेस्ट होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, और हम इस प्रोसेस को रिपीट करते हुए सेलेक्ट कर जाएंगे। ये हमारा आज का स्टडी प्लान होता है। हर बच्चा आज के डेट में डिग्री लेने के बाद यही प्लान करता है, वो इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेगा, एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करेगा, ऑल अक्रॉस द कंट्री कहीं भी लोकेटेड हो। वो अच्छी कोचिंग इसलिए मानी जाएगी क्योंकि वहाँ पे अच्छे फैकल्टीज़ पढ़ाते होंगे। ओके, फिर वहाँ पे टीचर्स पढ़ाएंगे, क्लास नोट्स रेडी करवाए जाएंगे, स्टडी मटेरियल दी जाएगी, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मोटे मोटे बुकलेट्स दिए जाएंगे, फिर हमारा टेस्ट होगा। कोचिंग में जो टेस्ट होगा ऑनलाइन मोड में भी हो सकता है और ऑफलाइन मोड में भी हो सकता है, और इसी प्रोसेस को हम फॉलो करते हुए सेलेक्ट हो जाएंगे। एक नॉर्मल आज का जो हमारा सोच है वो ये हो चुका है। ठीक है, हम इसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, इस सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी क्या होता है। इस सिलेक्शन के लिए जो स्टडी होता है, इसको किसे हम सिलेक्शन स्टडी कहेंगे, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा एग्ज़ाम में, सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी। ठीक है, अगर मैं सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी की बात करूं, तो मैं कुछ पॉइंट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट है मेरा फैकल्टी। आप अच्छा फैकल्टी किसे समझते हैं? क्या सबसे अच्छा फैकल्टी वो होता है जो आपको किसी टॉपिक का कॉन्सेप्ट जो होगा, कॉन्सेप्ट को इजीली बता सके? आई थिंक आपके अकॉर्डिंग यही होगा, क्लियर कर सके, है ना? तो ये जो प्रोसेस है हमारे पास चूज़ करने का, फैकल्टी के लिए अच्छा फैकल्टी कौन है जो हमारे किसी सब्जेक्ट के टॉपिक को बहुत ही इजी वे में क्लियर कर दे, राइट? ओके, हम ये मान के चलते हैं। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा इस मैटर पे। पहला क्वेश्चन ये है, क्या मदर एक अच्छी फैकल्टी हो सकती है? यस या नो? मुझे पता है मोस्ट ऑफ द बच्चे बोलेंगे यस। ओके, सेकेंड पॉइंट, क्या कोई सीनियर आपके नज़र में अच्छा फैकल्टी हो सकता है, जो आपके कोर्स का सीनियर है, जो आपसे पहले उस कोर्स को कर चुका है, क्या वो एक अच्छा फैकल्टी हो सकता है? यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कुछ सीनियर्स हो सकते हैं, सारे सीनियर्स नहीं हो सकते। ओके, एग्रीड। तीसरा,
जो आपके लेक्चरर्स थे कॉलेज में, क्या वो एक अच्छा फैकल्टी हो सकता है? सर, सारे लेक्चरर का तो समझ में नहीं आता था, बट कुछ लेक्चरर्स रियली में बहुत अच्छे थे। ओके, तो हमारे पास दो जगह एक वर्ड आया सम का। सीनियर्स के केस में सम आया, सम सीनियर्स अच्छे हो सकते हैं। लेक्चरर के केस में सम आया, वेरी फ्यू, ठीक है, हमारे नज़र में अच्छे हैं। अब मैं अगर चौथा पॉइंट पूछूं आपसे, फ्रेंड, आपका दोस्त, ये अच्छा फैकल्टी हो सकता है कि आपके नज़र में? बहुत बच्चे बोलेंगे नो, वो तो मेरा दोस्त है, मुझे वो कैसे पढ़ा पाएगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नो, क्योंकि सर वो तो मेरा फ्रेंड है, वो तो मेरे साथ तैयारी कर रहा है, वो मुझे कहाँ बता पाएगा। ओके, मेरा अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, फैमिली रिलेटिव्स। फैमिली रिलेटिव्स, क्या ये अच्छे फैकल्टी हो सकते हैं? फैमिली रिलेटिव से सर कौन डिस्कस करता है? फैमिली रिलेटिव में ऐसे रिलेटिव क्या आपके अच्छे फैकल्टी हो सकते हैं जिन्होंने यही कोर्स करा हुआ है? हाँ, हो सकते हैं, बट हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, हम लोग उनसे उतना डिस्कस नहीं करते हैं। कुछ बच्चे करते भी हैं, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं few students discuss with family members। कुछ ही बच्चे हैं जो अपने फैमिली मेंबर के किसी रिलेटिव से बात करते हैं स्टडी से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं आपसे अगला पॉइंट रख रहा हूँ, क्या आपके स्मॉल ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है, जो आपसे यंगर है, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, क्या ये आपके नज़र में अच्छे फैकल्टी हैं? राइट, आंसर एक बार में क्लियर है, नो। वो तुमसे छोटा है, वो कैसे हो सकता है? नो, ठीक है। तो ये जो हमें आंसर मिला, मैंने यहाँ पे 6 लोगों को इंक्लूड करा है। सबसे पहले माँ, माँ को अच्छी फैकल्टीज हम लोग बेसिक्स के लिए मानते हैं, बचपन में जो पढ़ाती हैं, डांटती हैं, उनके लिए हम उन्हें एक अच्छा गुरु मानते हैं। ओके, सीनियर्स, कुछ सीनियर्स को हम लोग अच्छा फैकल्टी मानते हैं क्योंकि वो हमें बता सकते हैं। ओके, लेक्चरर्स, सारे लेक्चरर्स में से कुछ ही लेक्चरर्स हैं जो अच्छा पढ़ाते हैं और अच्छा समझाते हैं, वेरी गुड। फ्रेंड्स, मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स नहीं, क्योंकि वो भी साथ में तैयारी कर रहे हैं और उनका भी चूँकि सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो भी नहीं बता सकते। हाँ, यदि किसी फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया हो तो वो बता सकता है, तो इस केस में हम लेट करते हैं, वो फ्रेंड का भी सिलेक्शन नहीं हो रखा है। फैमिली रिलेटिव्स, कुछ स्टूडेंट्स अपने फैमिली रिलेटिव्स जो कि पहले सेलेक्ट हो चुके हैं या वो उनसे पहले तैयारी कर चुके हैं, उनसे डिस्कस करते हैं, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द बच्चे उनसे डिस्कस करना सही नहीं समझते हैं। छठा है हमारे ब्रदर एंड सिस्टर जो हमसे छोटे हैं, जिनका एज हमसे काफ़ी कम है, तो वो जो कि ये कभी कोर्स किए ही नहीं हैं और जो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं बता सकते हैं, तो इन ये हमारे लिए बिल्कुल अच्छे फैकल्टीज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। ये हम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आई थिंक यही आंसर होगा। ओके, अब मैं इस पूरे पॉइंट को एक एक करके मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेरा सबसे पहला पॉइंट है फैकल्टी के बारे में। बाबू, गुरु वो होते हैं, एक अच्छा जो आपका टीचर है, वो टीचर वो माना जाएगा जो टीचर आपको सिर्फ कोई टॉपिक ही नहीं, सिर्फ टॉपिक नहीं नहीं आपके इमोशंस के बारे में भी आपको बताए, आपके निगेटिव पॉइंट्स को भी आपको बताए। वो अच्छा फैकल्टी होगा जो आपके निगेटिव पॉइंट्स को
निगेटिव पॉइंट्स को आपको बताएं। दूसरा, वो अच्छा फैकल्टी होगा जो आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को भी आपको बताए। तीसरा, वो अच्छा फैकल्टी होगा जो आपके इमोशन को समझे, इमोशन को अंडरस्टैंड करता हो। चौथा, वो अच्छा फैकल्टी होगा जिससे आप एनी टाइम डाउट डिस्कस कर सकते हो, एनी डाउट और एनी टाइम। ठीक है। पांचवा, वो फैकल्टी अच्छा होगा जो लर्न करना जानता हो, लर्नर हो। अब मैं एक एक पॉइंट्स के बारे में आपको डिस्कस करता हूँ आपके लिए। ये उन सब पॉइंट्स से डिफरेंट है जो आपने सोच रखा होगा, आपके अकॉर्डिंग है, जो हमें अच्छा पढ़ाता हो, जो हमें अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हो, ये अच्छे फैकल्टीज हैं आपकी नज़र में। अब मैं इन सब को दिखाता हूँ। निगेटिव पॉइंट्स, निगेटिव पॉइंट्स किसी भी पर्सन के इंटरनल प्रॉपर्टीज में होते हैं, हिडन होता है ये। इवन कि उस पर्सन को भी नहीं पता होता है उस पर्सन के अंदर क्या क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो जो ये हिडन कॉन्सेप्ट को एक्सट्रैक्ट कर सके, जो बता सके, आप बाबू एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हो या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हो, फास्ट करना चाहते हो, जो चीज़ें ऐसी ऐसी छोटी छोटी माइन्यूट बातें हैं जो आपको उन सब पॉइंट्स को बताए, वो आपके निगेटिव पॉइंट्स को दूर करे, वही एक अच्छा फैकल्टी है। पहला पॉइंट। दूसरा, पॉजिटिव पॉइंट, आपको ये बताए, बाबू आप में ये बहुत अच्छा है, आप नॉन टेक पहले करते हो, टेक्निकल बाद में करते हो, बाबू आप में ये अच्छा है जो टेक्निकल के आप पहले एक बार क्वेश्चन को ओवरव्यू कर लेते हो फिर आप अटेम्प्ट करते हो, बाबू आप में ये बहुत अच्छा है जो आप 10-5 सब्जेक्ट को पहले प्रिपेयर कर रहे हो और 5 सब्जेक्ट को बाद में प्रिपेयर करते हो, बाबू आप में ये बहुत अच्छा है आप टेस्ट के वक्त बहुत ही प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करते हो। तो ऐसे पॉइंट्स को जो बताए वो हमारा पॉजिटिव पॉइंट्स है। ये भी हमारा हिडन होता है, एक हमारा ये नेचुरल होता है, ये चीज़ें, ये हमारा नेचुरल बिहेवियर होता है जो कि हर कोई नहीं ऑब्जर्व करता है, जो कुछ आपके अच्छे फैकल्टीज़ हैं वो ऑब्जर्व करते हैं। इमोशंस, इमोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नॉर्मली स्टूडेंट्स ये बिल्कुल नहीं अंडरस्टैंड करते हैं कि इमोशन को कितना ज़रूरी है टाइम टू टाइम यूटिलाइज करना। अदरवाइज़ इमोशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जिस कारण अगर आपने बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन कर रखा है और उस रात आपको किसी से भी एक छोटा सा पंगा हो जाए तो आप अगले दिन पेपर अच्छे से नहीं दे सकते हो, ये श्योर बात है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको किसी ऑटो वाले से भी पंगा हो गया सेंटर पे जाते जाते और आप इमोशनल हो, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते हो, देन आपका उससे भी पेपर ख़राब हो सकता है। तो ये इसका बहुत स्मॉल कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं मानता हूँ 100% का कंट्रीब्यूशन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मिला के है, इसका 5% का कंट्रीब्यूशन है हमारे लाइफ में, बट ये 5% बहुत ही खतरनाक है। ये ऐसे आपको बर्बाद करता है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हो कभी, जो मैं ऐसे भी टूट सकता हूँ। ठीक है। डाउट, सिर्फ डाउट वो नहीं होता जो आपको किसी टॉपिक में कोई क्वेश्चन करते वक्त आता है, डाउट ये भी होता है, सर मुझे ये क्वेश्चन भी आता है और मुझे ये क्वेश्चन भी आता है, बट पहले मैं कौन सा क्वेश्चन चूज़ करूँ, ये भी डाउट है। सर मुझे सेंटर दिल्ली देना बेटर रहेगा या जयपुर देना बेटर रहेगा, ये भी डाउट है। सर मुझे इस सब्जेक्ट में फोकस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी डाउट है। तो डाउट बहुत तरीके का हो सकता है अदर देन द सब्जेक्ट्स। तो उन सब्जेक्ट के डाउट्स के अलावा जो हमारे इन डाउट्स को भी क्लियर कर सके, वो आपका बेस्ट फैकल्टी है आपके लिए, और किसी भी टाइम कर सके। टाइम
के लिए आपको पाबंदी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें पर्टिकुलर टाइम तो याद रहते हैं बट उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसीलिए उस क्वेश्चन का आंसर हमें उस इंस्टेंट में मिले तो जाकर हम उस प्रॉब्लम को उसी वक्त सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम कब हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम बन गई वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। पांचवा और सबसे खतरनाक पॉइंट, लर्नर। लर्नर क्या है? लर्नर वो है जो सीखने की एबिलिटी रखता है, जो सीखने की कोशिश करता है। मेरे अकॉर्डिंग जो आप प्रिपरेशन करना चाहते हो उस प्रिपरेशन के लिए लर्नर होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डे टू डे एग्ज़ाम का पॉइंट चेंज हो रहा है, सिलेबस चेंज हो रहे हैं, स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है। अगर आपके पास लर्नर नहीं है, आपके पास लर्नर बंदे नहीं हैं आपके नियर बाय में, देन आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर इंस्टेंट चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर पाए या किसी ने आपको नहीं बताया तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये बहुत ही ज़रूरी है और इसके बारे में वही बता सकता है जो लर्नर हो। अब मैं इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपके लिए रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जो मैंने 6 लोग को पहले हायर किया था उनको मैं कैटेगराइज करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट हमने रखा है निगेटिव पॉइंट्स, जो कि हिडन होता है। निगेटिव पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स आपकी माँ बता सकती है, मदर, ठीक है, बाबू तुम खाना अच्छे से नहीं खाते हो जिस कारण से तुम्हारा पढ़ाई पे कंसंट्रेशन नहीं लगता है, ये भी एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है अगर आप समझे तो। फ्रेंड्स, इनसे बेटर आपको निगेटिव पॉइंट्स के बारे में कोई नहीं बता सकता है, फ्रेंड्स बता सकते हैं, लेकिन जब आप इनके सामने ओपन होंगे तब, जब आप इनके साथ डिस्कस करेंगे तब ये आपको क्लियरली बता सकते हैं, नहीं भाई तेरे में ये दिक्कत है, तू ऐसा क्यों नहीं करता है, तेरा ये सब्जेक्ट तो अच्छा है फिर भी तू क्यों नहीं कर पाता है, ऐसी चीज़ें वो बताएंगे, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन आपको बता सकता है? पॉजिटिव पॉइंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके सीनियर्स बता सकते हैं, फ्रेंड्स बता सकते हैं, आपके कोई टीचर, प्रोफेसर, लेक्चरर वो बता सकते हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, कभी आपको कभी समझाया उन्होंने, वो आपको इन सारी चीज़ों को बता सकते हैं। इमोशनल अंडरस्टैंड, इमोशन अंडरस्टैंड करने वाला पर्सन दुनिया में 2 ही लोग को माना जाएगा, जो आपके सबसे करीबी हैं और वो हैं आपकी फैमिली। फैमिली में आप अपने छोटे भाई बहन से बात डिस्कस कर सकते हैं, जो मैं इन चीज़ों को यहाँ पे नहीं समझ पा रहा हूँ, बार बार मुझसे ये मिस्टेक हो जा रहा है, तो आपको वो ये वर्ड बोलेंगे, भैया आप ये ऐसे करो, दीदी आप ये ऐसे क्यों नहीं करते हो। तो जब आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएगी जो आप किसी फ्रेंड से सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि इमोशनल ब्रेकडाउन बहुत ही खतरनाक होता है, नॉर्मली उस वक्त हम किसी से भी बात करना अपना अवॉइड करते हैं, तो उस वक्त फैमिली में जो आपके स्मॉल ब्रदर सिस्टर हैं, यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, आप उनके साथ ये पॉइंट बहुत ही लिटरली डिस्कस कर सकते हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये इमोशनल अंडरस्टैंड आपका फ्रेंड भी करता है, आपका फ्रेंड भी आपको इमोशन अंडरस्टैंड करता है, तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। बट नॉर्मली हमारा ये हैबिट होता है, हम फ्रेंड्स को भी उस वक्त अवॉइड करते हैं, बहुत रेयर टाइम में हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। एनी डाउट एनी टाइम, ऐसे डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके फ्रेंड्स के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, जो आपके 12 बजे रात में भी आपके कॉल का आंसर करे, आपको रिप्लाई करे, फ्रेंड्स के अलावा कोई नहीं हो सकता। लर्नर वो है आपके सीनियर्स लर्नर हैं, आपके फ्रेंड्स लर्नर हैं, ठीक है, आपके जो टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो लर्नर हैं,
ये सारे लर्नर्स हैं, आपको इन सब से जुड़ के रहना होगा। हर एक माइन्यूट सा माइन्यूट चेंज आपको ये लोग ही बता पाएंगे और कोई नहीं बता पाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाकी इससे रिलेटेड आगे हम और डिस्कशन करेंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।